मैं नहीं चाहती कि लोग बोलें कि कमाल की बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। और अगर कमाल के बारे में कोई कहे कि उसका अफेयर है तो वो चलेगा? मर्दों को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर उनकी औरतें कुछ करें तो फर्क पड़ता है। कमाल के बहुत एहसान है मुझ पे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी बदनामी हो। मैं उन्हें बदनाम नहीं होने दूंगी। दानियाल, मैं कल रिजाइन कर रही हूं। क्योंकि ऑफिस में ये बात और फैलेगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा तो हम मिलते रहेंगे ना। अब मैं चलती हूँ। प्लीज थोड़ी देर और से। फिर मिलेंगे हम। गुड नाइट। बाय बाय। रियाल, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? तो और क्या करूं? और क्या करूं? फरियाल, मैंने तुम्हें समझाया था ये सब ठीक नहीं है और तुम वही कर रही हो। नहीं है ये सब ठीक यार। क्या समझूं मैं? मेरे बच्चे भी मुझसे बात नहीं करते। शरीर के 60 वर्ष का मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या करूं मैं? जिंदा रह गए? नहीं, मुझे जिंदा रहना, मुझे मर जाना था। मर जाना था। फरियाल! सुनो, वो आ गई है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। Yes. हेलो, अपने लिए कॉफी बनाने जा रही थी। तुम्हारे कमरे की लाइट्स ऑन देखी तो
सोचा तुम्हारे लिए बना दूं। थैंक यू। यहाँ रख देती हूँ। इर्सा नहीं आई? आई मीन वो नहीं है तो घर में रौनक ही नहीं है। नहीं, वो आ जाएगी एक दो दिन में। नाराज होकर तो नहीं गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसे पता है कि मैं यहाँ? हाँ यार, शायद नहीं। कल कॉल करूंगी उसे, कोशिश करूंगी कि किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। एनीवे, तुम ये कॉफी एंजॉय करो। एक मिनट, जला तो नहीं जा रहा? तुम एक मिनट आओ मेरे साथ। अच्छा, ऐसा मेरी बात सुनो। एक मिनट नहीं, मेरी बात सुनो। तुम गलतफहमी का शिकार होगी, जैसा तुम समझो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कॉफी लेकर आई थी मेरे लिए, मुझे कॉफी देते हुए उसके हाथ पे गिर गई। मैंने सिर्फ उसका हाथ इसलिए थामा था, कहीं उसका हाथ तो नहीं जला। और कितनी सफाइयां देंगे आप मुझे? क्या मैं नहीं जानती कि आपके और फरियाल के दरमियान क्या चल रहा है? मैं एक दिन के लिए क्या बाहर गई? आपको लगा कि आपको आजादी मिल गई है, आपका जो दिल में आएगा आप करेंगे। पहले तो मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए गई थी ना, अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, ताकि आपके जो दिल में आता है आप करें। एक मिनट, एक झूठी बात पे तुम इस तरह नहीं जा सकती हो घर छोड़ के। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, मैंने जो देखा है वही सच है। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मेरे और फरियाल के बीच में कुछ भी नहीं? मैं आइजल की कसम खा के कह सकता हूँ कि मेरे और फरियाल के बीच में कुछ नहीं है। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आइजल की कसम मैं झूठी नहीं खा सकती। प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ऐसा जब ऐसी कोई बात नहीं है तो मूड अपसेट करने की जरूरत नहीं। I'm sorry अगर तुम्हें अभी भी बुरा लगा। जी नहीं पाऊं मैं, ऐसी है उदासी, दिल भी है प्यासा मेरा, रूह भी है प्यासी, तन्हा तन्हा जीना, चुपके चुपके मरना, टुकड़ा टुकड़ा दिल हो रहा है तो क्या।
ऐसा मैं अगर अभी यहां से चला गया ना, सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। क्या हो गया कमाल, आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी हो जाए मैं आपको इस तरह से नहीं देख सकती। नहीं देख सकती ना, अपने घर वापस चलो। मैं बस खुद की अलग पहचान बनाना चाहती हूँ, खुद से कुछ करना चाहती हूँ। अगर तुम कहती हो तो सारा बिजनेस, हाउसिंग सोसाइटी सब तुम्हारे नाम कर देता हूँ, फिर बना लेना अपनी अलग शनाख्त। इतनी महंगी गाड़ी नहीं है कि 40,000 की जॉब पे जाते हुए तुम्हें ऑकवर्ड फील। मेरे साहब, एक शौहर की तरफ से छोटा सा तोहफा समझ के कबूल कर। इस हकीकत को मैं और नहीं छुपा सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं। यू कैन टेक योर टाइम। कितनी मासूम है। I feel really, really, really sad for you, your son. और ये जो कमाल हसन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। अगर मैं तुम्हें प्रूव कर दूं कि तुम्हारा शौहर तुम पर चीट कर रहा है, तो क्या तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दोगे? ऐसा ये खूबसूरत आंखें रोने के लिए नहीं है। अगर मेरा बस चला ना, तो मैं तुम्हारा एक एक आंसू महफूज करूं। समय की बात। I really, really, really love you। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं कभी तुम्हें छोड़कर जाऊंगा और ना तो मुझे, वादा करो मुझे। एक तरफ दानियाल की मोहब्बत है तो दूसरी तरफ कमाल की इज्जत। नौकरी छोड़ूंगी तो दानियाल से मिलने का बहाना खत्म हो जाएगा, नहीं छोड़ूंगी तो कमाल की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। क्या करूं? मैंने तो सोचा था कि घर से बाहर निकलूंगी तो सुकून मिलेगा। मुझे क्या पता था कि जिंदगी एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी मुझे। हर रोज दानियाल से नहीं मिल पाऊंगी, और अगर वो कभी बुलाएगा तो कमाल से क्या बहाना करूंगी। टुकड़ा टुकड़ा
हाय। आपका भेजा हुआ गिफ्ट। क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया? नहीं, शायद आपने मुझे गलती से भेज दिया था, इसलिए वापस करने आई हूँ। ऐसी बात नहीं, कोई गलती नहीं हुई, ये गिफ्ट आप ही के लिए था। किस रिश्ते से भेजा आपने ये गिफ्ट मुझे? क्या लगती हूँ मैं आपकी गर्लफ्रेंड? क्या जरूरी है कि कोई रिश्ता हो? दोस्ती भी तो हो सकती है। देखिए, मुझे उन लड़कियों में से मत समझिएगा जो आज जैसे लड़कों की बातों से इंप्रेस हो जाती हैं। एक बात कहूँ आपसे, मुझे आपको इंप्रेस करना भी नहीं। मेरा पूरा नाम, मेरा बर्थडे, मेरे घर का एड्रेस एंड ऑफ कोर्स मेरा फोन नंबर भी मिल गया आपको। ये इंप्रेस करने की कोशिश नहीं है तो फिर और क्या है? ये सब मालूम करना मेरे लिए बहुत आसान था। इंप्रेस करने के लिए तो और भी बहुत कुछ है मेरे पास, जो जानता हूँ। जैसा कि आपको बचपन में क्या पसंद था, यू डोंट लाइक आंसर्स। और बचपन में क्या ना पसंद था, तो शायद आपको बहुत अच्छा लगता है। कौन से ऐसे कलर्स हैं जो आपने पहनना छोड़ दिए हैं? शादियों पर जाना आपको क्यों पसंद नहीं है? और आपकी अम्मी आपको प्यार से क्या कहती थी? आप पहले दिन कॉलेज गई तो आपकी मदर ने आपको क्या एडवाइस की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो, स्टफ लाइक दैट। वैसे किसी दिन अपने घर में जब आप अकेली हो ना, तो मेरे बारे में जरूर सोचिए, आपको अच्छा लगेगा। एनीवेज, आई विल वेट फॉर योर कॉल। Excuse me. जी। आप ही के लिए, प्लीज आई इंसिस्ट। नहीं, बॉस तो ऑफिस में नहीं है। ओके ओके, श्योर। कहीं जा रही हो? हाँ, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? मैं रिजाइन दे रही हूँ। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, जब बॉस आए तो उन्हें दे देना। ओके, मगर बॉस ने रीजन पूछा तो क्या बताऊं? कोई झूठ बोल देना, वैसे भी आजकल लोग सबसे ज्यादा झूठ पर यकीन रखते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थोड़े दिन की है मुश्किल जो भी है, मिल ही जाएगी मंजिल जो भी है, एक दिन आसमां छू लेगी मेरी दुआ, इल्तिजा हो कोई सुनता है मेरा खुदा, टुकड़ा टुकड़ा रबा।
इंप्रेस करने के लिए तो और भी बहुत कुछ है मेरे पास। जो चाहता हूँ, जैसा कि आपको बचपन में क्या पसंद था, यू डोंट लाइक आंसर्स। और बचपन में क्या ना पसंद था तो शायद आपको बहुत अच्छा लगता है। कौन से ऐसे कलर्स हैं जो आपने पहनना छोड़ दिए हैं? शादियों पर जाना आपको क्यों पसंद नहीं है? और आपकी अम्मी आपको प्यार से क्या कहती है? आप पहले दिन कॉलेज गई तो आपकी मदर ने आपको क्या एडवाइस की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे किसी दिन अपने घर में जब आप अकेली हो ना, तो मेरे बारे में जरूर सोचिए, आपको अच्छा लगेगा। देखो, कल रात वाली बात को ना दिल पे मत लेना। कमाल सच कह रहा था, मैं तो सिर्फ वहां कॉफी देने गई थी। कल हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे तुम समझ रही हो। एटलीस्ट कल रात को कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप क्या हुआ, करो ना बात। नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर था? बट यू सेड मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बदतमीजी कर रहा था तो डांट रही थी उसे, इसलिए। बेना, अच्छा बैठो। रिजाइन कर दिया तुमने ऑफिस? एक्चुअली इत्तेफाक है,
मैं आज जल्दी फ्री हो गया तो मैं तुम्हारे ऑफिस से नहीं आया था। मैंने देखा ही नहीं तुम कहाँ काम कर रही हो, तो मैं तुम्हारे ऑफिस चला गया ये देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं। वहाँ जाके पता चला कि तुम घर चली गई हो, तुमने रिजाइन कर दिया है। कोई खास वजह? सुन अब नहीं वो हुआ, सुबह बात कर लूंगी। सब लोग रिजाइन वापस लेने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं तो, मगर मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ। मैम आपके लिए खाना लगाती। सफिया भी यहीं रहती है? जी यहीं रहती है। उनको बुला देंगे? जी मैं बुला दूँ। अस्सलाम वालेकुम। आयजल बीबी आप? मुझे बुला लिया होता। सफिया भी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी पूछे। दानिश खान कौन है? दानिश खान? जी दानिश खान। ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। झूठ बोल रही हैं आप। मेरे हमारे घर के बारे में खबरें दे रही है ना आप उसे? ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। हमारे घर के अंदर की बातें और कौन जानता है? मुझसे आप कैसी भी कसम ले लें, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, किसी और ने। बस कर दें, मेरे बारे में तो चले कोई भी बता सकता है, बट मामा, मामा के बारे में पापा जानते हैं या फिर आप? मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो किसी से मिली भी नहीं हूँ, इस घर से बाहर भी नहीं निकली हूँ। पता तो मैं लगा लूंगी। इस वक्त मेरे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन जिस भी दिन सबूत मिला ना, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। समझ में नहीं आता है कि किसकी बात पर यकीन करूं, कमाल की बात पर या फरियाल की बात पर।
कमाल के अंदाज से लगता है कि वो सच बोल रहे हैं और फरियाल के अंदाज से लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैंने तुमसे झूठ कहा? नहीं तो? उधर तुम परेशान हो और इधर मैं। क्या हुआ है? कुछ नहीं, एक्चुअली अम्मी के टेस्ट करवाए थे, आज रिपोर्ट्स मिली हैं। अम्मी को ब्लड कैंसर। क्या? समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह मैनेज करूंगा। फौरी तौर पर एडमिट करवाना है उन्हें, इलाज में बहुत पैसा खर्च होगा और ऐसा मेरे पास तो तुम जानती हो ना कि बहुत कम पैसे। सोच रहा हूं कि कहीं से उधार ले। इरशा? आ, जी फोन पे बात कर रही। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कौन है इस वक्त? वो बानू से बात कर रही थी। इतनी रात गए, खैर है सब? हाँ, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा किसी से बात कर लो। तो मुझे जगा देती तुम? आपकी नींद खराब हो जाती। वो तो वैसे ही खराब हो गई जब मैंने देखा कि तुम बेड पे नहीं हो, तो तुम्हें ढूंढ रहा था मैं। आपको बिना बताए तो नहीं जाती ना चार दीवारी से? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। चलो आओ बैठ के बातें करते हैं। नहीं, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। आई सर, क्या है? सॉरी, तुम कहीं जा रही हो? मैं आपको क्यों बताऊं मैं कहां जा रही हूं? और आप मेरी फिक्र छोड़ें, इससे पर ध्यान दें, ये पता करें कि वो कहां जा रही है। ओके ओके, एक्चुअली मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। $25 should be enough. बस इतनी? Okay, I'll manage. जी, ये मोबाइल नया तुमने लिया है? कोई जिक्र ही नहीं किया तुमने।